साहस समाचार टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा धीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद तमाम देश भारत के मून मिशन की जमकर तारीफ कर रहे थे। दरअसल भारत ने अपना चंद्रयान चंद्रमा की उस दक्षिणी सतह पर उतारा है जहां अब तक विश्व का कोई भी देश ये पराक्रम नहीं कर पाया है, नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क चीन भारत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि से कुछ खुश नजर नहीं आ रहा। पहले तो चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर चीन की मीडिया ने कोई खबर नहीं दिखाई, ना ही यहाँ के लीडिंग अखबार ने जो कि ग्लोबल टाइम्स है इसका जिक्र किया। लेकिन अब भारत की सफलता से चिढ़ा हुआ चीन अपने असली रूप में आया है। चीन ने भारत के चंद्रयान 3 को लेकर ग्लोबल टाइम्स में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें अंतरिक्ष में भारत और चीन की तुलना की गई। बता दें कि वर्ष 2019 में चंद्रयान 2 की असफलता के बाद भी भारत को चीन ने धैर्य रखने की नसीहत दी थी, यहाँ भी उपहास उड़ाया था। बुधवार को भारत ने चांद की दक्षिणी सतह पर लैंडिंग करके अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की। भारत ने वो इतिहास रचा जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। लेकिन चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माने जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पहले तो इस खबर को स्वीकार करने में 24 ज्यादा घंटे का वक्त लगा दिया और उसके बाद जब माना भी तो उसने सीधे तौर पे भारत और जो चीन है उसके अंतरिक्ष मिशनों की तुलना कर डाली। चीन ने तुलना करते हुए अखबार कहता है कि भारत की तुलना में हम कई ज़्यादा जो स्पेस मिशन है उसमें आगे हैं। उसने लिखा, भारत को कमतर दिखाने की कोशिश की। वो कहता है चीन का रोवर काफ़ी बड़ा है जिसका वज़न 140 किलोग्राम है जबकि भारत के रोवर प्रज्ञान का वज़न बस 26 किलोग्राम है। भारत का रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की रात का सामना नहीं कर पाएगा और इसका जीवन काल चांद पर केवल एक दिन का है। इसके विपरीत चीन के U-2 रोवर के पास चंद्रमा की सतह पर सबसे लंबे समय तक काम करने का रिकॉर्ड है क्योंकि ये परमाणु ऊर्जा से लैस है जिससे ये लंबे समय तक काम कर पाएगा। बता दें कि भारतीय चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान चंद्रमा पर एक दिन के लिए है, यानी कि पृथ्वी के हिसाब से 14 दिन। आपको यहाँ बता दें कि पृथ्वी के 14 दिन और चांद के एक दिन बराबर होता है। इसके बाद रोवर प्रज्ञान का वहाँ काम करना संभव नहीं होगा क्योंकि वे सौर ऊर्जा पर आधारित है। अगले 14 दिन में चांद पर अंधेरा छा जाएगा, तापमान -180 डिग्री तक गिरेगा। इसके बाद चंद्रयान के सिस्टम का काम करना संभव नहीं है। हालांकि इसरो चीफ एस सोमनाथ कहते हैं कि अगर चंद्रमा के इस बेहद ठंडे तापमान को सूर्य की रोशनी के बाद भी रोवर प्रज्ञान झेल जाता है, यानी कि जो अब अगले 14 दिन आएंगे उसके बाद चांद पर अंधेरा छा जाना है और फिर 14 दिन बाद वापस रोशनी आएगी। अगर प्रज्ञान रोवर ठंड को बर्दाश्त कर 14 दिन रुक जाता है तो रोशनी आने के बाद वो एक बार फिर से एक्टिव हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो ये इसरो के लिए, देश के लिए एक और सफलता होगी और प्रज्ञान रोवर के साथ भारत चांद की दक्षिणी सतह पर और भी रहस्यों को खोज पाएगा। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स अपने पत्र में अंत में लिखता है कि जो भी देश अंतरिक्ष में चीन के साथ काम करना चाहता है चीन ने उसके लिए बाहें खोल रखी है। लेकिन भारत के साथ काम करने में भू राजनीतिक कारक आड़े आते हैं। बता दें कि इससे पहले भी दुनिया भर के देशों ने चंद्रयान 3 की सफलता पर तारीफ की थी भारत की। वो अमेरिका हो, ब्रिटेन, रूस, पाकिस्तान या फिर सऊदी अरब, ये सभी वो देश है जिसने भारत को सराहा था। इसके अलावा भी कई देश इस लिस्ट में शामिल हैं। यहाँ बता दें कि चीन का भारत को लेकर इस तरह का रवैया पहली बार नहीं है। चंद्रयान 2 की असफलता पर भी चीन ने भारत का मजाक उड़ाया था। उस वक्त चीन बोला था कि भारत को ऐसे मिशन के लिए धैर्य रखने की जरूरत है। चांद की दक्षिणी सतह पर लैंडिंग से सिर्फ 2.1 किलोमीटर पहले संपर्क टूट गया। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच 3,80,000 किलोमीटर की तुलना में यह दूरी महज एक कदम दूर थी। भारत के मून मिशन और इसकी असफलता पर दया आती है। भारत केवल एक कदम दूर था। अगर ये संभव होता तो भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंड करने वाला पहला देश हो सकता था और अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन सकता था। बहरहाल चीन को भारत की सफलता वैसे भी कहां ही हजम होने वाली थी, इसलिए चीन ने अपने पारंपरिक अंदाज में भारत की इस ऐतिहासिक जीत को पचाने की कोशिश की। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें साहस समाचार टीवी के साथ। नमस्कार।